देने वाले हैं, इसका कोई मतलब इससे नहीं है, कोई मतलब इससे नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि ये इसके जैसा नहीं है या इसके जैसा ये नहीं है। क्लियर? का प्रॉपर टाइम दीजिए और ये दिमाग में रखिए कि वो एक अलग विषय है, हम उसको अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं और तब जाके इसको कवर कीजिए। देखिए कैसे बड़े प्यार से आपके साथ आ जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा एक बात बताइए, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, इवन सबके सभी ऐसे होंगे जिनको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता होगा, कोई सब्जेक्ट आसान लगता होगा, लगता है कि नहीं ये बड़ा आसान है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये बड़ा मुश्किल है, इसको पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता, मतलब कैसे इसको पढ़ें, और जब भी पढ़ने जाते हैं बोर हो जाते हैं, टाइप की फलाना ढिमाका बहुत सारी चीजें आती है। क्या सही में कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल होता है? एक बार बताइए। जब क्लास के दौरान मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री क्यों मुश्किल लगता है, तो अक्सर है कि यही जवाब था कि नाम याद नहीं होता, डेट होता है। जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि जितना टाइम हम मॉडर्न हिस्ट्री को देते हैं और जितना इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में उसके अकॉर्डिंग देते भी हैं, उतना टाइम हम क्या एंशियंट और मेडिवल को देते हैं? उतना टाइम क्या हम केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो को देते हैं? या जिनका साइंस बैकग्राउंड है क्या उतना टाइम वो हिस्ट्री को देते हैं, ज्योग्राफी को देते हैं? जब उतना टाइम देते ही नहीं हो तो वो आसान हो जाएगा ऐसा क्यों सोचते हैं? लेकिन आसान होने का एक ट्रिक है हमारे पास, आसान हो जाएगा इसका एक ट्रिक है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो आपका एजम्पशन है उस एजम्पशन को हटा दीजिए, यानी पहले से ही पूर्वाग्रह होता है विषयों को लेकर कि हिस्ट्री है ना, अगर कोई आर्ट्स वाला है तो उसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो साइंस है और क्या क्या है, अगर यूपीएससी के अंदर की बात करें तो पेपर 4 है, एथिक्स का पेपर है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल है, सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड सवाल है, तो दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा। पहले सोच लिए ना, पहले ही सोच लिया कि यदि साइंस एंड टेक के सवाल हैं, केमिस्ट्री के सवाल हैं, फिजिक्स के सवाल है, तो वो हमसे नहीं बनेगा या हमको बहुत तकलीफ होगा, कैसे वहां से बच जाएं, यही सोचते हैं ना। और आपके इस सोच और उस विषय के बीच में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो अंतर है आपके एजम्पशंस का। आपने पहले एक धारणा बना ली आर्ट्स वाले ने आर्ट्स को लेकर और साइंस वाले ने साइंस को लेकर कि साइंस के सब्जेक्ट बड़ा इजी है, आर्ट्स का याद नहीं होता, आर्ट्स वाले आर्ट्स का आसान है, साइंस का याद नहीं होता। पहले उसको दूर कर दीजिए और एक और काम कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे। क्या काम करोगे? अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यदि आप बायो पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, अगर कुछ भी इसमें से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हो सकता है, मेडिएवल हिस्ट्री हो सकता है, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के पहले एक घंटा सोच लीजिए ना, आप क्यों ये उम्मीद करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारे लिए आसान है और ये जो इकोनॉमिक्स है या ये जो साइंस एंड टेक है ये मुश्किल है? आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ने जाते हैं, कभी सोचा है ऐसे? आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित घटनाओं को पढ़ने जाते हैं, यही है ना? तो ये आपके लिए इतना आसान कैसे हो गया? और आप जब इकोनॉमिक्स के अंदर जाएंगे तो आप क्या पढ़ने जाएंगे? आप पढ़ने जाएंगे देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, बजट, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको पढ़ने जाएंगे। जब हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, अलग अलग तरह के डिजीज, यही सारी चीजों को यहां पढ़ेंगे ना। तो जब हम बायो पढ़ने जाएंगे तो हम ये क्यों सोच के जाते हैं कि ये मॉडर्न हिस्ट्री जैसा नहीं है? वो बायो है, वो बायोलॉजी है, वो मॉडर्न हिस्ट्री है ही नहीं, तो उसके जैसा कैसे होगा? और उससे मुश्किल भी नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री से मुश्किल नहीं है। आप मॉडर्न हिस्ट्री के कंपेयर में इसमें क्यों जा रहे हो? आप पॉलिटी के कंपेयर में नहीं है ना, आप पॉलिटी के कंपेयर में इस एनवायरनमेंट को क्यों कंपेयर कर रहे हैं?
ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, आप पहले ही इसको इससे कंपेयर करके मुश्किल कर दे रहे हो। एनवायरमेंट क्यों मुश्किल होगा? अगर मुश्किल होता तो सबके लिए होता। स्टूडेंट का एक तबका उसको मुश्किल तो नहीं मानता, एक मानता है, उसी तरह से एक तबका हिस्ट्री को मुश्किल नहीं मानता और कोई एक तबका मानता है। तो एक ग्रुप मान रहा है, एक ग्रुप नहीं मान रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो मुश्किल नहीं है, आपने उस सब्जेक्ट पे कम समय दिया। जो आपने बचपन से पढ़ा या जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन तक रहा, उसके प्रति आप ज्यादा फ्रेंडली हैं, दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो आप सबसे पहला काम आपको करना है कंपेयर समाप्त कर देना है, और एक और काम साथ में करना है कि उसका सब्जेक्ट अलग है, उसका विषय अलग है, और जब उसका सब्जेक्ट अलग है तो हम उसको उसी अलग अंदाज से पढ़ेंगे, उस अलग पैटर्न पे पढ़ेंगे। इतना ही तो करना है, और इतना गारंटी नहीं किया होगा, गारंटी है क्योंकि आप में से अभी मैं जब ये बात बोल रहा हूं गारंटी नहीं किया होगा, कुछ लोग रिलेट करेंगे कि नहीं हमने तो किया है, 100% नहीं किया है, 100% नहीं किया है। जब आपने ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आपने इसको किसी भी तरीके से आसान और मुश्किल अगर समझा है तो पहली गलती, और दूसरी जब आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? पहाड़, पठार, मैदान, नदी, यही सब पढ़ोगे ना। तो इसको लेकर आपने आपको अपने अंदर क्या ज्योग्राफी को लेकर एक इमेज या एक बाउंड्री बननी चाहिए कि हम इसके अंदर ये पढ़ने वाले हैं। जब आप बायो पढ़ें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हम इसके अंदर ह्यूमन बॉडी डिजीज, प्लांट डिजीज और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। जब आप एनवायरमेंट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम इसके अंदर कैसे पॉल्यूशन होता है, ये हमारा जो एनवायरमेंट है ये कैसे बना, इसके अंदर और क्या क्या फैक्टर है, किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्या होता है, ये कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो सब समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह से बाइफर्केट करना है चीजों को। आप जब साइंस एंड टेक पढ़ने जाओगे तो आप सोचोगे अच्छा इसके अंदर स्पेस टेक पढ़ेंगे, घर के अंदर अलग अलग प्लान्स यूज होता है उसको पढ़ेंगे, या डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो टेक्निक से रिलेटेड हम चीजों को कहां पढ़ने वाले हैं? यहां पढ़ने वाले हैं। इसका कोई मतलब इससे नहीं है, कोई मतलब इससे नहीं है, तो हम क्यों कहेंगे कि ये इसके जैसा नहीं है या इसके जैसा ये नहीं है? सबसे पहले कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्लियर? कंपेयर करना जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही आप सब्जेक्ट को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा, सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है सिर्फ इसको सोचेंगे और उसको वहां पढ़ लेना है। सिंपल सा तो है, उसको वहां पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री वाली चलो छोड़ दो, पॉलिटी तो लगता है कि सबको पता है कि हमें पता है, तब भी पॉलिटी के अंदर बहुत गलतियां होती है। आपको पता है फिर भी गलतियां होती है, तब भी आप नहीं कहते कि हमको पॉलिटी नहीं आता या पॉलिटी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बहुत टाइम दे दिया ना, इसको भी बहुत टाइम दे दिया। जिसको ये पसंद नहीं है उसने साइंस एंड टेक एनवायरमेंट पे टाइम ही नहीं दिया, तो वो कैसे मुश्किल हो गया? तो इसी तरह से एक प्रॉपर टाइम दीजिए, और ये दिमाग में रखिए कि वो एक अलग विषय है, हम उसको अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम कंपेयर करने वाले नहीं है। जहां बहुत अधिक तुलना होती है वहां प्रॉब्लम शुरू होता है। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इसको उसी तरह से रहने दीजिए और तब जाके इसको कवर कीजिए। देखिए कैसे बड़े प्यार से आपके साथ आ जाता है, ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट को लेके नजरिया बदलिए, सब्जेक्ट सब आपके हाथ में आ जाएगा, पीस ऑफ केक हो जाएगा जो आज आपको मुश्किल लग रहा था। तो ये शिकायत आपकी आज से दूर हो जाएगी कि कोई सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है, हो जाएगी ना, कर लेना दूर, ज्यादा बेहतर होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।